भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में पारित कर दिया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है। और इसमें कुछ मापदंड भी तय कर दिया गया है कि प्रति 30 बच्चे पर एक शिक्षक अनिवार्य है। और ये माध्यमिक शाला में तो विषयवार भर्ती होना है, परंतु आज ग्राम नवापारा के कोढ़ाटी पारा के प्राथमिक शाला में एक ही शिक्षक के द्वारा पिछले जून महीना से अध्ययन करवाया जा रहा है। इस स्कूल में पढ़ने के लिए कुछ विशेष जनजाति के बच्चे आते हैं, जो कोरवा जनजाति के हैं, जो अति पिछड़े और अशिक्षित माने जाते हैं। पर यहाँ पर आने वाले 61 बच्चे पर एक ही शिक्षक द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। तो 16 साल से आप यहाँ पदस्थ हैं, तो सर ये बताइए कि आप पिछले कितने दिनों से यहाँ पर अकेले हैं? मैं यहाँ से 20 जून से हूँ मैं अकेले। तारीख कौन सी है तो डिटेल में बताएंगे? 20 जून 2013 से। तो आप अकेले होने का कारण, आपके साथ कोई समस्या होती है? मैं अकेले हूँ ना, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए तबीयत खराब हो गया तो स्कूल बंद करना पड़ता है। मैं सूचना दे देता हूँ संकुल में कि मेरा तबीयत खराब हो गया है, संलग्न किया जाए, तो वहाँ भी संलग्न नहीं हो पाता है, नहीं टीचर मिल पाते हैं या वहाँ से व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो जिस कारण से स्कूल बंद हो जाता है। सर एक महीना के अंदर हम लोग का टीचर चाहिए। हाँ। ताकि पढ़ाई अच्छा से हो। पिछले साल भी अकेले थे कि? सर नहीं, परीक्षा के समय सर अकेले नहीं थे, मैडम थी। अच्छा, वो मैडम कहाँ चल गई? 6 महीने का छुट्टी में चले। तो आप लोग मैंने उसका इंतजार कर रहे हैं कि 6 महीना बाद आएगी तो पढ़ाई होगा? कई परेशानी है कि जब शिक्षक कहीं मीटिंग या फिर अपना वेतन या फिर तबीयत खराब होने पर स्कूल बंद पड़ जाती है, और ये बच्चे आते हैं, मध्याह्न भोजन खाते हैं और चले जाते हैं। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि विकास कार्ड शिक्षा अधिकारी श्री कपूरचंद साहू के नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल करें और कहे कि यहाँ पर विशेष जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, अतः इसे विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। मैं आशित राय, ग्राम नवापारा, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से इंडियन अनहट के लिए।